आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले ही सभी टीमों ने घोषित किए अपने 20-20 खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाला है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आईपीएल की सभी 10 टीमें कौन कौन से 20 खिलाड़ी अपने साथ शामिल करने वाली है। इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते कि आपका फेवरेट प्लेयर आपकी फेवरेट टीम में खेले, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय गवाए हम जान लेते हैं इन सभी 10 टीमों के 20-20 खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की टीम के बारे में। तो सनराइज हैदराबाद की टीम इस बार अपने साथ जोड़ने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले केन विलियमसन, उमरान मलिक, अब्दुल समद, देवदत्त पड्डीकल, विराट सिंह, मार्टिन कपटिल, सिमरन हेटमायर, डीजे ब्रावो, बेन कटिंग, जगदीश सुचित, सौरभ तिवारी, कोलिन डी ग्रैंडहोम, शाहबाज अहमद, प्रियम गर्ग और जॉनी बेरिस्टो को अपने साथ जोड़ेगी। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो ये टीम काफ़ी शानदार नजर आ रही है। हालांकि इस टीम के पास और भी कई ऑप्शन रहेंगे बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के, तो एक मजबूत टीम के तौर पर हमें देखने को मिल सकती है इस बार सनराइज हैदराबाद की टीम आईपीएल 2022 में। वहीं पर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टीम की, तो वहाँ पर नाम आता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम काफ़ी शानदार है। वैसे तो विराट कोहली इस बार इस टीम की कैप्टेंसी करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम स्क्वाड की बात करें तो इस टीम के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे कि विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, अर्शल पटेल, नीतीश राणा, एडम जेम्पा, फिन एलन, काइली जेमिसन, श्रीकर भारत, वाशिंगटन सुंदर, क्रिस गेल, मिचेल स्टार्क, देश पांडे, वनिंदु हसरंगा और पविन नेगी इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस टीम के पास काफ़ी शानदार बल्लेबाज मौजूद है, जो कि T20 के खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। यानी कि एक मजबूत टीम नजर आ रही है इस बार RCB की भी। वहीं पर अब हम बात करते हैं आईपीएल की तीसरी बड़ी टीम की, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस बार अपने पास शानदार खिलाड़ियों को रखने वाली हैं। हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड की, तो इस टीम की तरफ से हमें दिखेंगे आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, इयान मॉर्गन, शुभमन गिल, सरदोल ठाकुर, पवन नेगी, शिवम मावी, सिदेश लाड, मोसिस आंद्रिकेज, रवि बोपारा, डेवेन कॉनवे, चरित्र असलंका और कुणाल पांड्या इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी अपने साथ कई शानदार खिलाड़ियों को जोड़कर आईपीएल 2022 की एक मजबूत टीम के साथ मैदान पर उतरने वाली है। वैसे देखा जाए तो इस टीम के पास T20 के खतरनाक बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद हैं। वहीं पर अब आगे बढ़ते हैं चौथी टीम की, तो वो है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से इस बार हमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे संजू सैमसन। तो इस टीम की तरफ से जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, चेतन सकारिया, रजत पाटीदार, चोपड़ा आर्चर, एडन मार्करम, जेसन रॉय, जेसन होल्डर, सरयास गोपाल, अजहरतुल्ला जजाई, मुस्ताफिजुर रहमान, सरयास गोपाल, महीपाल लोमरोर और कुलदीप यादव इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के पास भी दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि किसी भी समय T20 मैच का पासा पलट सकते हैं। यानी कि 2022 में यह टीम भी कमाल करती हुई नजर आएगी। वहीं पर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, तो इस टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल पिछले 2 साल से काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इस बार भी ये टीम पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। तो इस टीम की तरफ से हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शो, एनरिक नोरकिया, करुण नायर, कोलिन मुनरो, स्टीव स्मिथ, डेजन मिचेल, अजिंक्य रहाणे, डेनियल सेम, आवेश खान, संदीप शर्मा, ललित यादव, उमेश यादव और टॉम करन इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं। देखा जाए तो इस टीम के पास भी कई शानदार युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, जो T20 में शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वैसे ऋषभ पंत इस टीम की कप्तानी करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक मजबूत टीम नजर आएगी इस बार दिल्ली कैपिटल की भी। वहीं पर दोस्तों अगली टीम की बात हम करें, तो सबसे ज़्यादा IPL के खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस इस बार अपने साथ कई शानदार खिलाड़ियों को जोड़ने वाली हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस टीम के पास इस बार काफ़ी शानदार खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। हम बात करें इस टीम के स्क्वाड की, तो इस टीम में सबसे बड़ी बात शिखर धवन जुड़ने वाले हैं इस बार मुंबई इंडियंस के साथ। तो वहीं पर रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कायरन पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव, राशिद खान, अंबाती रायडू, क्यूटन डी कॉक, कुणाल पांड्या, टिम साइफर्ट, मिचेल मार्श,
श्रेयस अय्यर, ट्रेंट बोल्ट, लियाम लिविंगस्टोन और भुवनेश्वर कुमार रहने वाले हैं। हालांकि राशिद खान इस टीम को मुश्किल है थोड़ा मिलना, क्योंकि यहां पर ऑक्शन से पहले ही उन्हें लखनऊ की टीम अपने साथ जोड़ लेगी, तो यहां पर राशिद खान की जगह पर यह टीम किसी और प्लेयर के ऊपर दांव खेल सकती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम भी फिलहाल काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। वहीं पर दोस्तों अब हम अगली टीम की बात करें तो वो है यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की टीम के पास भी कई शानदार खिलाड़ी इस बार मौजूद रहेंगे। हम बात करें इस टीम की तरफ से सबसे पहले कप्तानी की, तो मयंक अग्रवाल इस टीम के कप्तान होंगे, तो वहीं पर अर्शदीप सिंह इस टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं पर रवि बिश्नोई, सरफराज खान, मनदीप सिंह, डेविड मलन, मार्कुस टोइनिस, ग्लेन फिलिप्स, मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन, प्लिंकेट, मुर्गन अश्विन, सरफराज खान, मोहम्मद शमी और किन्नर लिविस इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं। पंजाब किंग्स के पास और भी कई ऑप्शन रहेंगे जहां पर ये बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल को टीम को छोड़ जाने के बाद ये टीम थोड़ी कमज़ोर जरूर हुई, लेकिन ऑक्शन में इस टीम के पास और भी मजबूत खिलाड़ियों को खरीदने का पूरा पूरा मौका रहेगा और पंजाब किंग्स कोई भी मौका इस बार छोड़ने वाली नहीं है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन रहने वाली आईपीएल 2022 की चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स भी इस बार कई खिलाड़ियों को रिलीज कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये टीम अपने साथ मजबूत खिलाड़ियों की वापसी करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले इस टीम की बात करें तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से MS धोनी, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोहम्मद नबी, फेफ डू प्लेसिस, दीपक चहर, सैम करन, डेविड मिलर, हार्दिक पंड्या, रॉकी फर्गुसन, बेन स्टोक्स, जेस हेजलवुड और यजवेंद्र चहल को अपने साथ जोड़ना चाहेगी। हालांकि यजवेंद्र चहल और हार्दिक पंड्या इस टीम के साथ आना थोड़ा मुश्किल का काम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये टीम पूरी कोशिश करेगी कि इन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़े। वैसे एक और यहाँ पर नाम की बात करें हम इस टीम की तरफ से सुरेश रैना, जो कि लगातार इस टीम के लिए खेलते हुए आए हैं। ऑक्शन में अगर कोई टीम उन्हें नहीं खरीदती है तो फिर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स उनके ऊपर बड़ा दांव भी लगा सकती है IPL 2022 के ऑक्शन में। वहीं पर चले दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं IPL की एक और नई टीम की, तो वो टीम है यहाँ पर लखनऊ की टीम। लखनऊ की टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद रहेंगे इस बार, क्योंकि उनके पास बेहतरीन मौका है दमदार खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल करने का। फिलहाल लखनऊ की टीम की कप्तानी करते हुए हमें दिखने वाले हैं KL राहुल, जो कि काफ़ी शानदार T20 प्लेयर हैं। इसके बाद इस टीम में सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, शिवम दुबे, मनन ओरा, लुंगी निगिडी, एंड फिंच, लिंडन समन्स, इवन लुइस, कॉलिन इंग्राम, रिंकू सिंह, संदीप लामिचाने, पीयूष चावला, मिचेल सेंटनर और टॉम बेंटन शामिल होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस टीम में और भी कई खिलाड़ियों को यहां पर अपने पास जोड़कर एक मजबूत टीम बनाने वाली है इस बार लखनऊ की, जिसमें सबसे बड़ा नाम राशिद खान का नज़र आ रहा है, यहां पर वो शानदार खेल दिखा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अहमदाबाद की टीम की बात करें तो इस टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर, डेविड वॉर्नर, आर साई किशोर, जिमी निसम, आदिल रशीद, हुसैन थॉमस, टीम साउथी, केन रिचर्डसन, मैथ्यू वेट, पेट कमिंस, एलेक्स हेल्स, मयंक मार्कंडे, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग और जय देव उनादकट हमें दिखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों फिलहाल ऑप्शन से पहले ये खिलाड़ी इस टीमों में खेल सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलेगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।